रिश्ते थे ही नहीं, मतलब इससे अच्छा ना हो. माय जॉइंट फैमिली ट्राइंग टू बर्न माय मॉम. आई हैव सीन इट इन, यू कांट अनसी इट ना इन योर लाइफ. कहाँ जन्म हुआ आपका? दिल्ली में. आई वाज बोर्न ब्रॉट अप इन दिल्ली. वेरी कॉम्प्लिकेटेड डिफिकल्ट हाउस होल्ड. आई एम दी ओनली चाइल्ड ऑफ माय पेरेंट्स. जो हमारी जॉइंट फैमिली थी, हम एक्चुअली एक में बहुत बड़े घर में जन्म हुआ. जीके टू ग्रेटर क्लास टू, बहुत बड़े घर में. बट उस बहुत बड़े घर में हमारे पास एक बहुत छोटा कमरा था. ऐसा क्यों? आई थिंक इट वॉज द क्लासिक फाइट ऑफ प्रॉपर्टी, यू नो, दिल्ली जो घर घर की कहानी है. अच्छा. आई वॉज बॉर्न इन टू अ वेरी वेरी टॉक्सिक हाउस होल्ड. वेरी टॉक्सिक. बहुत गालियाँ, बहुत बचपन से पंजाबी सारी गालियाँ. अच्छा. उस कमरे से बाहर जाना अलाउड नहीं था. तो क्यों? बिकॉज बहुत कॉन्फ्लिक्ट था. मतलब पेरेंट्स की ओर से अलाउड नहीं था या इजाज़त नहीं थी लार्जर फैमिली की ओर से? लार्जर फैमिली की ओर से इजाज़त नहीं थी. And my mother was very timid and very like, or and I think I saw her disintegrate. You know, so and I think that's also built a lot of resilience in me. But ये property की लड़ाइयाँ बर्बाद कर देती हैं, ज़िंदगियाँ बर्बाद कर देती हैं, सालों साल. बहुत ज़्यादा. तब भी मैं सुनती थी कि इस पे बस तीन फ्लोर बना दो तो तीन भाइयों को कुछ मिल जाए, पर ऐसा हुआ नहीं. आई थिंक एक को सब कुछ चाहिए था, बाकियों को अपना हक चाहिए था. तो वो लड़ाई में पिस गए, मतलब सब खत्म हो गया इन दैट लड़ाई. आई वॉज इन दैट हाउस फॉर 12 years. मतलब मैं अगर स्कूल से दोपहर को आ गई थी और अगर मम्मी नहाने चली गई और उन्होंने मेरे दरवाज़ा नहीं खोला तो कोई नहीं खोलेगा. तो मैं धूप में बाहर ही खड़ी रहूँगी, मतलब आधा घंटा. रिश्ते जैसे नहीं थे? रिश्ते थे ही नहीं, मतलब इससे अच्छा ना हो. और वो बहुत मतलब मैं बचपन से इट्स इवन टुडे इट्स अ फियर ऑफ लाउड वॉइसेस. आई कांट हैंडल लाउड वॉइसेस. क्योंकि तब से इतना ट्रॉमा, बहुत ज़्यादा ट्रॉमा है ऑफ अब्यूज़ेस एंड लाउड वॉइसेस. किस क्या एज रही होगी आपकी? थ्रू आउट 1, 2, 3, 4 टिल 12. माय गॉड. और एक छोटी बच्ची तो मैं सहम जाती थी. एंड मैं मतलब अभी भी मुझे लगता है कोई चिल्ला रहा तो मैं, इवन दो आई एम अ प्रोड्यूसर एंड आई एम अ हेड ऑफ अ फिल्म, तो मैं फिर भी मुझे लगता है अगर कोई चिल्लाने लग जाता तो मैं टेबल के नीचे चली जाऊँ. यू नो, बट दैट इज़ लाइक अपने कान बंद कर लो और उससे छुप जाओ. उस कमरे में ही एक छोटा सा किचन था, एक फट्टा, और दुनिया का सारा खाना मामा बनाती थी. उस कमरे के साथ ही एक बाथरूम था. उनका नाम बताइए. अमरप्रीत मोंगा. और पिताजी का भी? दमनजीत सिंह मोंगा, DS मोंगा एंड अमरप्रीत कौर मोंगा. कभी फिजिकल वायलेंस भी था क्या? काफ़ी. एंड माय जॉइंट फैमिली ट्राइंग टू बर्न माय मॉम. आई हैव सीन इट इन, यू कांट अनसी इट ना इन योर लाइफ. एंड यू कांट लाइक, आई फ्रॉम वेरी चाइल्डहुड वांटेड टू बी अ प्रोटेक्टर, यू नो, बट जितनी हिम्मत खुद है, जितनी कि यहाँ से निकलते हैं, यहाँ से निकलते हैं, कुछ भी कर लेंगे, यहाँ से निकलते हैं, यहाँ नहीं रहना. तो सोचिए दिल्ली के काम इतने अमीर इलाके में कि आप अगर किसी को बताएं कि मैं GK2 में है. बहुत बड़े घर में, ऐसा बहुत बड़ी कोठी में. मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, वहाँ पर ना आई थिंक हमें एक बड़ा फ्रिज चाहिए था या शायद नानके से आया था, मुझे नहीं पता कि वो फ्रिज आया कहाँ से था. उस कमरे में रखने की जगह नहीं थी. और उसके अंदर एक बड़ा वाला फ्रीज़र था और थोड़ा बड़ा साइज़ का फ्रिज था. तो वो फ्रिज ना लिविंग रूम में था. और हमारी घंटों डिस्कशन होती थी कि फ्रिज में जाएंगे और कुछ लेकर आएंगे एंड व्हाट विल वी गो थ्रू. इट यूज़ टू बी फियर टू जस्ट वॉक टिल द फ्रिज एंड ब्रिंग समथिंग. तो हम ना प्लान करते थे मम्मा और मैं कि रात को जब सो जाएंगे ना एक ही बार फ्रिज यूज़ करेंगे. तो इट यूज़ टू बी वेरी वेरी लाइक फ्रिज वॉज लाइक वॉर जोन. यू हैव टू गो इन टू वॉर एंड देन कम रनिंग बैक सो दैट नोबडी सीज यू एंड यू डिसअपीयर. सो आप दिखो ना, क्योंकि अगर जैसे ही दिखोगे तो कुछ सुनने को मिल जाएगा, कुछ टॉन्ट मिल जाएंगे, कुछ कहीं मिल जाएगा. वरना और हमारे किचन का एक दरवाज़ा था विच ओपन टू द
सो इट वॉज द बेडरूम एंड द किचन, द डोर ओपन टू द रेस्ट ऑफ द हाउस. सो भी रहे होंगे ना तो जोर से कोई दरवाजा मार के चला जाएगा. माय गॉड. तो हम वो दरवाजे को भी बंद रखते थे कि वो हिले ना, यू नो. तो ऐसे शॉक एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम, यू वर जस्ट लाइक, कभी पानी की टंकी की पाइप काट दी जाती थी, मुझे स्कूल जाना है तो पानी नहीं आ रहा. मतलब आई डोंट नो व्हाट वाज दिस. आई हैव ग्रोन एंड नाउ आई रिफ्लेक्ट ऑन दैट. आई वाज लाइक, ये क्या जिंदगी थी, यू नो, ये क्या लोग हैं, ऐसे भी होते हैं. और एक दोहरा जीवन जीना पड़ता होगा क्योंकि बाहर की दुनिया तो ये जानती नहीं होगी. नहीं, और पता भी नहीं था कि कैसे किसी को बताओ. हाँ, वैसे कभी किसी को इतना बताया भी नहीं. मतलब बाहर की दुनिया तो सोच रही है कि आप एक चीके के बड़े से क्लासमेट्स. हाँ, मतलब बट दैट लेड टू माई पर्सनैलिटी बींग समबडी हु इजिली गॉट बुलीड, यू नो. द हाँ, मतलब ऑलवेज वॉन्टिंग वैलिडेशन, ऑलवेज वॉन्टिंग टू हैंग ऑन टू समबडी, यू नो, ऑलवेज वॉन्टिंग कि अच्छा वो बोल देगी तो फिर ठीक है. सो थ्रू आउट माई स्कूल कहीं ना कहीं मुझे आदत हो गई, जैसे जैसे मैं बड़ी हुई मुझे आदत हो गई और को करिकुलर एक्टिविटीज़ और घर से बाहर रहने के. हाँ, डांस क्लास कर लो, टेबल टेनिस क्लास कर लो, ये कर लो, वो कर लो, फिर और लेट घर जाओ, तो जितना लेट घर जा सकते हो. कैंटीन में खाता चलता था, तो देयर वाज नो, वहाँ क्यों जाना है, फिर वहीं रहना पड़ेगा, बाहर नहीं निकल सकते.